किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों लोगों की सोच को समान रूप से समझा जाए। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जब जिमी कार्टर यूएसए के राष्ट्रपति थे, तो एक बार उनके और उनकी पत्नी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई। समयबद्धता से कार्टर को काफ़ी हद तक लगाव था। वो वक्त के काफ़ी ज़्यादा पाबंद थे, जो संभवतः एक नौसैनिक के रूप में उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण से पैदा हुआ था। उनकी पत्नी रोजलिन भी समयबद्ध तो रहती थी, किंतु कार्टर की हद तक नहीं। अगर कहीं निकलने में 5 मिनट अथवा उससे भी कम की देर हुई नहीं कि उन दोनों के बीच एक कटु तकरार छिड़ जाया करती थी। पूरे 38 वर्षों के वैवाहिक जीवन के दौरान उन दोनों के बीच मतभेद की यही वजह बनी रही। 18 अगस्त 1984 को सवेरे सवेरे कार्टर अपने एक भाषण की तैयारी के लिए अपने अध्ययन कक्ष में गए और ताजा समाचारों की जानकारी लेने के लिए अपना रेडियो लगाया। जब उन्होंने रेडियो से उस दिन की तारीख सुनी, तो अचानक उन्हें यह याद आया कि आज रोजलिन का जन्मदिन है और वे उनके लिए कोई उपहार भी नहीं खरीद सके थे। अब तो उपहार खरीदने का वक्त ही नहीं बचा था। अचानक उनके दिमाग में बगैर किसी उपहार के कुछ अनोखा करने का ख्याल आया। उन्होंने जल्दबाजी में एक कागज लिया और उस पर लिखा, जन्मदिन मुबारक, तुम्हारे लिए अपने प्यार के इजहार स्वरूप मेरा यह वादा रहा कि तुम्हारी लेट लतीफी को लेकर आइंदा मैं तुम्हें कोई भी अप्रिय बात नहीं कहूंगा। उन्होंने कागज पर अपने हस्ताक्षर किए, उसे एक लिफाफे में डाला और पत्नी के हाथों में थमा दिया। उस दिन के बाद वे सदा अपने वादे पर कायम रहे और यह रोजलिन के लिए उनके वैवाहिक जीवन का सबसे सुंदर जन्मदिन उपहार बन गया। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी सोच के अनुसार परंपरागत तरीकों से सोचते हैं और चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी इसी तरह सोचें और हमारी सारी बातें माने, लेकिन हमें गैर परंपरागत ढंग से सोचना भी सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि सभी का सोचने का तरीका और काम करने का ढंग हमसे अलग हो सकता है। हमें उनके तरीकों को, उनकी सोच को भी समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारे अपनों के लिए यह एक खूबसूरत उपहार हो सकता है कि हम उन्हें यह स्वतंत्रता दें कि वो अपने अनुसार सही गलत का फैसला करें। तो क्यों नहीं आप भी अपने किसी प्रियजन को एक वैसा ही नया और अनोखा जन्मदिन उपहार देने की सोचे जैसा जिमी कार्टर ने अपनी पत्नी रोजलिन को दिया। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।